लोगों को मैं हार्टली वेलकम करना चाहता हूँ। आज जैसा कि हमारा तय हुआ था कि आज हमने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना है, उस प्रोडक्ट का नाम है कार्ब कंट्रोलर। देखिए, इस प्रोडक्ट के नाम में ही आपको आइडिया हो जाता है कि किसी न किसी चीज को कंट्रोल करता है, और उस जिस चीज को कंट्रोल करता है उसका सामने उसके प्रीफिक्स में नाम लिखा हुआ है कार्ब, यानी कि कोई ऐसी चीज है जो कार्ब को कंट्रोल करती है। इसका एग्जैक्टली हमें समझना होगा कि ये बेसिकली कार्ब क्या है। देखिए, जब हम फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, तो हमारे डाइट में दो टाइप की चीजें होती हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो के तीन पार्ट होते हैं, कार्ब, प्रोटीन एंड फैट, यानी कि कार्ब का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। और दूसरी, यदि जो कम अमाउंट में चाहिए उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, और बेसिकली विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट उस कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो कार्ब कंट्रोलर यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। व्हाई वी नीड दिस कार्ब कंट्रोलर, क्यों करना है हमने कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल? देखिए, कार्बोहाइड्रेट ऐसा पार्ट है भोजन में हमारा, ऐसा ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसी चीज है जो हमें एनर्जी देता है जीने के लिए। हमें आ, आ, दिन में जो काम कर रहे हैं, जैसे अब मैं बोल रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं कार्ब से एनर्जी ले रहा हूं, तो हमें जो हर टाइम एनर्जी देने का काम करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और डाइट में भी यदि आप सबसे ज्यादा मेजर पार्ट देखेंगे डाइट में, तो वो कार्ब का होता है। यदि कोई चीज 100 ग्राम हम खा रहे हैं, तो लगभग ऑलमोस्ट जो हमारी जनरल डाइट है उसमें मोर देन 60% कार्ब्स होते हैं, मोर देन 60%। और आज मॉडर्न लाइफ स्टाइल में यदि मैं बात करूं तो समटाइम ये 80% हो जाता है। जैसे चिप्स है आपका, फास्ट फूड आपके हैं, बर्गर है आपका, मतलब जो भी आप पैक्ड फूड खा रहे हैं या फ्राई फूड खा रहे हैं, उसमें कार्ब का कंटेंट और भी ज्यादा हो जाता है। तो या प्रोसेस फूड है या मैदा है, तो इसमें कार्ब यानी कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। अब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, जैसे ही हमने कोई डाइट खाई, जैसे हमने कोई भोजन किया, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है, यानी कि पाचन तंत्र में जाता है। जैसे ही डाइजेस्टिव ट्रैक में गया, तो वहां पे इसका ये डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। डाइजेस्ट होने का मतलब है पाचन होना, जो जिसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, यानी कि पचता है जो हमने खाया है। और वो जो डाइजेशन होता है या पाचन होता है, वो बेसिकली एंजाइम की मदद से होता है। अब एंजाइम की मदद से होता है, और डाइजेशन को बेसिकली बोला जाता है, पाचन को बेसिकली बोला जाता है। जो हम बड़ा फूड खा रहे हैं, जैसे आपने कोई एप्पल खाया तो बहुत बड़ा है, कोई रोटी खाई, सब्जी खाई, या वट एवर जो भी आप डाइट में लेना चाहते हैं वो खाया, तो वो पाचन तंत्र में जाके, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाके, वो जब डाइजेस्ट होता है एंजाइम की वजह से, तो बड़े वाले पार्टिकल, बड़े वाले मॉलिक्यूल छोटे वाले में टूट जाते हैं। जैसे मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, तो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है वो डाइजेस्ट होने के बावजूद छोटे कार्ब्स में टूट जाते हैं, सिंपल कार्ब्स में टूट जाते हैं, और उस सिंपल कार्ब्स का नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज में टूट जाता है, और जब ग्लूकोज में टूटता है तब उसको बॉडी एब्जॉर्ब करती है, यानी कि हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाके ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। अब आप देखें कि जो नॉर्मल ब्लड ब्लड ग्लूकोज का जो रोल, जो लेवल है हमारी बॉडी में, 82/120 है। इसके बियॉन्ड यदि 120+ यदि ये रहना स्टार्ट हो जाए, तो इसी को हम प्री डायबिटिक या डायबिटिक बोलते हैं, यानी कि शुगर की बीमारी बोलते हैं। यानी कि एक नॉर्मल लेवल से ऊपर बढ़ जाना ग्लूकोज का, उसको हम डायबिटीज, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोल देते हैं, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट का रोल हमारी बॉडी में है, पर इसके कहीं ना कहीं और कंजप्शन की वजह से, या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से, या मोटापे की वजह से, इसकी वजह से हम डायबिटीज में कन्वर्ट भी होते जा रहे हैं, स्ट्रेस में कन्वर्ट होते जाते हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज भी हमारे बॉडी में आती जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना था जो कि आपके ग्लूकोज, हेल्दी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखे, यानी को आपको डायबिटीज से बचाए। दूसरा ये था कि आपका जो वेट है, जो कि सब बीमारियों की जड़ है, आज ओवर वेट होना आम बात हो गई है। सब लोग, मतलब कहीं ना कहीं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से, आज के
माहौल की वजह से, आज की डाइट की वजह से, आज का जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम मोटापे के शिकार हो रहे हैं। उस मोटापे की वजह से हार्मोन इंबैलेंस होना, एसिडिटी रहना, नींद ना आना, स्ट्रेस में रहना, डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम यानी कि हार्ट और हार्ट से रिलेटेड वास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बीमारी होना, इवन कैंसरस होना, या आपके ज्वाइंट्स पे प्रेशर रहना, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे कल्प्रिट हो सकता है, तो वो आपका मोटापा हो सकता है। तो अब इसको कंट्रोल करना इतनी आसान बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पहले कंट्रोल करके देखा होगा, किसी ने अपनी डाइट से फैट छोड़ के अपना वेट घटाने की बात की होगी कि यदि मैं अपनी डाइट से फैट छोड़ देता हूं तो मेरा वेट घट जाएगा। यदि किसी को शेक पिया होगा, डाइट रिप्लेसमेंट शेक पिया होगा, किसी ने अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीकों से अपना वेट मैनेजमेंट करने की बात की होगी, कोई जिम में जाके, कोई योगा करके, कोई डाइटिंग करके, और डाइटिंग में भी फैट को रिमूव करके, ऐसे इन तरीकों से आप लोगों ने किया होगा। बट ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो हम लेके आए हैं। इसका मैं पहले ही टैगलाइन आप लोगों को बता चुका हूं, इसमें आपको डाइटिंग की जरूरत नहीं है, इसमें आपको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। यदि आप एक्सरसाइज कर लेते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। किसी के घुटने में दर्द है, किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी को कार्डिक कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण वो एक्सरसाइज इतनी ज्यादा नहीं कर सकता, इसलिए उसका वेट नहीं घट पाता। तो इसका नाम हमने पहले ही, मैं बड़ा मजाकिया तौर में मैंने इसकी टैगलाइन भी दी कार कंट्रोलर की, कि मीठा खाओ वेट घटाओ। और ये अपने आप में यूनिक बात है कि आप मीठा खा के भी वेट घटा सकते हो, यानी कि आप बिना डाइटिंग किए भी आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हो, अपना वेट घटा सकते हो। आपने कभी सोचा था ऐसा हो सकता है कि आप खाते रहोगे तब भी वेट कम हो सकता है? तो मुझे लगता है कि ये आपके सोचने से बाहर था, और इसलिए ओके लाइफ केयर एक कदम आगे बोला जाता है। अब इस टेक्नोलॉजी का नाम जो है वो P2 टेक्नोलॉजी है, फेज टू टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी में मैं बात करूं तो ये एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है जो P2 टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। तो आप अपने प्रोडक्ट को पेटेंटेड बता सकते हैं मार्केट में, फेज टू टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है इसको बनाने के लिए। एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, इसकी जरूरत कैसे है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले। किसी का मेरे सामने आई थिंक स्क्रीन इज स्टक, नहीं, मेरा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसमें अब आपके आपके साथ में स्क्रीन को साथ में शेयर करने वाला हूँ। राइट, कार्ब कंट्रोल इज अ रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट टू कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म इन योर बॉडी, ए एडवांस वे टू मैनेज वेट एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल। दो चीजों पे काम करता है, आपके वेट मैनेजमेंट पे और आपके डायबिटीज कंट्रोल यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। मैं इसकी बात करूं, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई देयर वाज ए नीड टू इंट्रोड्यूस कार्ब कंट्रोलर, व्हाट आर कार्ब्स एंड द कार्ब्स नीड टू मैनेज एंड हाउ एक्स्ट्रा कार्ब्स अफेक्ट अवर बॉडी और अवर हेल्थ। देखिए, कार्ब्स में आपको बता ही चुका हूं इंट्रोडक्शन में, हमारे लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर स्टार्च ब्रोकन डाउन हो जाती है सिंपलर में, जो डाइजेशन का पार्ट बोलते हैं, सिंपल कार्ब्स जिसको आप बोलते हैं ग्लूकोज इन अवर बॉडी, और ग्लूकोज इस डाइजेशन को काम करने का काम करता है। उस एंजाइम का स्पेशली नाम है जो कार्ब को डाइजेस्ट करवाता है, उसका अल्फा माइलेज नाम होता है, और हमारी बॉडी में वो पाया जाता है। इसकी वजह के कारण ही हम कार्ब्स को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में तोड़ सकते हैं, और ग्लूकोज में टूटने के बाद ही हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू जा पाता है। राइट, देखिए, मैं एक बीच में आपको एक चीज भी बताना चाहता हूँ, एम्प्टी कैलोरीज, एम्प्टी जैसे खाली, खाली कैलोरीज का मतलब क्या है, जैसे आप सोडा ड्रिंक्स पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, या आप व्हाइट शुगर खाते हैं, तो इसमें ना तो वाइटामिन होते, ना मिनरल्स होते, ना प्रोटीन होता, ना फैट होता, ओनली कार्ब्स होते हैं। इसका मतलब ओनली कैलोरी है, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। एम्प्टी कैलोरी एडिड जो शुगर है वो एक्स्ट्रा होने के बावजूद हमारी कहीं ना कहीं इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम करता है, हमें डायबिटीज की तरफ लेके जाता है, मोटापे की तरफ लेके जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कार्ब हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके वो ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाते हैं, और कुछ सैचुरेट फैट में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी में डिपॉजिट होके हमारा वेट बढ़ा देते हैं। तो एम्प्टी कैलोरी से हमें बचना चाहिए, यदि जितना बचा जा सकता है। मैदा हो गया और हमारी व्हाइट शुगर होगी, ये बेसिकली दो चीजें ऐसी हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि वो हमारे लिए बहुत डेंजरस है।
ये कुछ एग्जाम्पल है एम्प्टी कैलोरीज के, शुगर, सीरियल, सोडा, डाइट, चिप्स, मफिन, कॉफी, ड्रिंक्स, कैंडीज, ये कुछ आपके पास एम्प्टी कैलोरीज के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए एक टर्म आती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका मतलब क्या है, जब जैसे आपने कोई भोजन खाया, जैसे कोई फूड इनटेक किया, वो डाइजेस्ट होके आपके ब्लड ग्लूकोज को कितना कैसे बढ़ाता है, कितने टाइम में कैसे बढ़ाता है, तो जितनी भी ये शुगर आप देख रहे हैं, जितने भी व्हाइट शुगर या आप एम्प्टी कैलोरीज वाले प्रोडक्ट देते हैं, ये एकदम से ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं। एकदम से ब्लड ग्लूकोज से बढ़ने से होगा क्या, एक्स्ट्रा ग्लूकोज या तो आपका ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा और फैट में चेंज हो जाएगा, वेट बढ़ा देगा, या यदि आपका इंसुलिन सही से काम नहीं करता, बॉडी इनसेंसिटिव है, तो आप में डायबिटीज में आप डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत डेंजरस काम करता है। तो हमें जो हाई जीआई इंडेक्स वाले फूड होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़े डेंजरस हैं आज की लाइफस्टाइल में। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, जिसको गुड्स कार्ब्स बोलते हैं, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल से आते हैं, उनका जीआई लो होता है, यानी कि वो ब्लड ग्लूकोज को एकदम से नहीं बढ़ाते, धीरे 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 रिलीज होता है, और धीरे धीरे रिलीज होता है तो बॉडी उसको आराम से कंज्यूम कर जाती है, अपनी एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको आराम से अब एकदम से बढ़ा हुआ ग्लूकोज तो क्या करेगी बॉडी, पैनक्रियाज को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए। अब पैनक्रियाज पे लोड पड़ा तो अब बॉडी में वो ग्लाइकोजन में चेंज होगा या फैट में चेंज होगा, तो बॉडी का वेट बढ़ा देगा। तो पैनक्रियाज पे लोड, बॉडी पे लोड, लीवर पे लोड, सारी चीजों का लोड है जो हाई शुगर रिच फूड खाते हैं। तो इसलिए फ्रूट एंड वेजिटेबल से आने वाली जो कार्ब्स होते हैं वो गुड कार्ब्स माने जाते हैं, और जो हम व्हाइट शुगर और शुगरी जो प्रोडक्ट हम खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो पैनक्रियाज पे प्रेशर डालते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म पे प्रेशर डालते हैं, जिसके कारण आज लाइफस्टाइल जो डिजीज है वो हमारे ऊपर बढ़ती जा रही है। तो इसका इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैंने जनरली इसमें आपको बता दिया कि आप आराम से किसी के साथ डिस्कस करेंगे। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये आप व्हाइट ब्रेड, पोटैटोज, राइस, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स है, शुगर एंड शुगरी फूड्स हैं। देखिए एक्स्ट्रा कार्ब से होता क्या है, ये जो शेप आप देख रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे लोग इस शेप को देख के हंस भी रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो ऐसी शेप के हो गए हैं। ये ऐसे बेसिकली ये फैट का नहीं है कि इसने ज्यादा फैट खाया, इसने ज्यादा घी खाया है, या इसने ज्यादा बटर खाया है, या इसने ज्यादा ऑयल खाए हैं, ये बेसिकली आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और हाई कार्ब, यानी कि जो आपने शुगर से या शुगर से बनी हुई चीजों को खाया है, उसके कारण ये चीजें हुई हैं, और इसके कारण एक्स्ट्रा कार्ब के कारण ओबेसिटी, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रोल, हाई बीपी और एसिडिटी, स्ट्रेस, नींद ना आना, बॉडी पेन रहना, जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ना, ये सारी चीजें हाई कार्ब्स डाइट की वजह से होती हैं। ओबेसिटी का कारण हो सकता है मोटापे का, हेरिडिटी भी बहुत सारा कारण हो सकता है, एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एल्कोहल और समथिंग लाइक दैट, जो ड्रग्स यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कैलोरी, सेडेंटरी लाइफ, आपकी फूड हैबिट्स, लेजी लाइफ, और फीमेल्स में बेसिकली थायरॉइड भी, हाइपोथायरॉइडिज्म भी कहीं ना कहीं एक कल्प्रिट का काम करता है जो ओबेसिटी को बढ़ाता है। ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम आप सभी लोग जानते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, कैंसर, ज्वाइंट पेन, फैटी लीवर, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, नींद ना आना, इंसोमेनिया, ये सारी प्रॉब्लम मोटापे के कारण हो सकती है। आप WHO के भी आप सर्वे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू WHO ओबेसिटी रिलेटेड सच as those whose dies from the cardiovascular disease will be more likely than the people who is died from the cancer. देखिए obesity से होने वाली जो illness है, WHO का कहना है कि उससे बहुत ज्यादा heart या heart से related problem होने के chances हैं, और WHO का survey ये भी कहता 2019 में 1.6 billion adults worldwide पाए गए overweighted and at least 100 मिलियन वर ओबेज, ओवरवेट तो 1.6 बिलियन थे पर ओबेज कितने थे, 400 मिलियन ओबेज लोग थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वर्ल्ड आज के लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं मोटापे की तरफ जा रहा है, और मैं कहता हूं आज तो चाइल्ड ओबेसिटी भी बहुत बड़ा डेंजरस हमारे लिए पेंडेमिक उभर के आ रहा है। मैं कहता हूँ कोरोना वोरोना तो कुछ भी नहीं था, ओबेसिटी एक ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड को इन्फेक्टेड कर चुका है। मुझे लगता है इससे ज्यादा डर के रहना चाहिए, वायरस वायरस तो
मैं कहता हूं इतना डेंजरस नहीं था जितना ये है, ये आपके लिए स्लो पॉइजन है। तो ग्लोबली आप इस बात करें तो 45% इसका रेट है ओबेसिटी का, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा जल्दी से ये बढ़ रहा है। तो हमें इसके इसके लिए एक तरीके से अलर्ट हो जाना चाहिए कि मोटापा कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्पैन को, जो मोर्टेलिटी रेट है, प्री मेच्योर डेथ है, उसकी तरफ हमें बढ़ाता है। सो वी हैव द प्रूवन सॉल्यूशन फॉर द वेट मैनेजमेंट, दैट इज कार्ब कंट्रोलर, और इसका नाम है एडवांस पीटू टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक प्रोडक्ट जिसको हम कार्ब कंट्रोलर बोलते हैं। इसकी टैगलाइन भी आप क्या देंगे, मीठा खाओ वेट घटाओ। अब बेसिकली ये बनाया किस चीज से है, देखिए ये बहुत नेचुरल सोर्स से निकाला गया है। इसका बेसिकली ये बना किस चीज से है, ये पीटू टेक्नोलॉजी जो है वो उससे है ना, व्हाइट किडनी बीन्स जिसको आप लोबिया भी बोलते हैं, आप अपनी अपनी लैंग्वेज में जो भी जाने, व्हाइट किडनी बीन्स से नेचुरल एक मॉलिक्यूल निकाला गया है जो कैसे काम करता है वो आपको अभी बताने वाला हूं। तो जो पीटी टेक्नोलॉजी है वो एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है उस व्हाइट किडनी बीन्स के उस पर्टिकुलर बायो एक्टिव कंपोनेंट, उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को निकालने की, जो जो निकालने के बाद भी ऐसा ही काम करे जैसे व्हाइट किडनी बीन्स में नेचुरल फॉर्म में था, यानी कि नेचुरल एग्जैक्टली नेचुरल फॉर्म में उसको बाहर निकाल लेना ही इस टेक्नोलॉजी का मेन काम है, जो कि अपने आप में एक मात्र वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी है जिसके कारण वो पर्टिकुलर चीज निकाली जाती है। उस पर्टिकुलर चीज का मैं आपको बताने वाला हूँ वो एग्जैक्टली है क्या, वो मॉलिक्यूल उसका काम क्या है और वो कैसे हमारे वेट को मैनेज करता है। देखिए कार्ब कंट्रोलर ब्लॉकिंग कैलोरीज फ्रॉम द स्टार्च, ये आप देख रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे ये फूड है आपका, और इस फूड पे आप देखेंगे फूड डाइजेस्ट हुआ, शुगर बॉडी में एनर्जी यूज हुआ, और जो एक्स्ट्रा थी वो हमारी स्टोर होगी बॉडी में फैट के रूप में, राइट। तो ऐसे ऐसे हमारी बॉडी में ये डाइजेशन के बाद मैकेनिज्म होता है। अब कैसे ये काम करता है, जब मैंने पहले ही बताया था, जब डाइजेशन होता है तो अब जैसे आप देखेंगे आपके स्टमक में आप क्या गया, आपके डाइजेशन ट्रैक में जब फूड जाता, जो खाया आपने, वहां पे एंजाइम होते और एंजाइम उसको बड़े वाली चीज को छोटे में तोड़ देते, और छोटे वाली चीज यानी कि कार्बोहाइड्रेट को जब छोटे में तोड़ेंगे तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और वो हमारी बॉडी में चला जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट है ये करता क्या है, जो अमाइलेज था, अल्फा अमाइलेज नाम का एंजाइम था जो कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली डाइजेस्ट करता था, उसको ये ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है, ब्लॉक, सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूं, अल्फा अमाइलेज को ये मानो कि नाइफ की तरह काम करता है, नाइफ यानी कि चाकू की तरह काम करता है, और ये पर्टिकुलर नाइफ है जो कार्बोहाइड्रेट को ही काट सकता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कट करने वाला, डाइजेस्ट करवाने वाला, उसको ब्रेक डाउन करने वाला, तोड़ने वाला नाइफ का नाम, चाकू का नाम है अल्फा अमाइलेज। इस वर्ड को याद रखना, अल्फा अमाइलेज। इसको इसको क्या करता है, इस चाकू को वो ब्लॉक कर लेता है, उसको बाउंड कर लेता है, जो हमने ये प्रोडक्ट डिजाइन किया है। अब ये बाउंड हो जाएगा तो होगा क्या, आप खाओगे तो पर अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपका ये बाहर निकल जाएगा वेस्ट मटेरियल के थ्रू, फ्रेश होने के टाइम पे आप अनडाइजेस्टेड कार्ब बाहर निकल जाएगा। मैं आप लोगों के सामने इसका मैकेनिज्म बता रहा है काम कैसे करता है। आप देख पा रहे हैं कि ये बेसिकली अल्फा अमाइलेज को ब्लॉक कर देता है जो हमारे डाइजेशन को करता है, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होगा तो बाहर निकल जाएगा। अब लोग पूछेंगे जी हमें कैलरी कहाँ से मिलेगी, यदि पूरा कार्ब निकल गया तो हम तो फिर मर ही जाएंगे। देखिए बेसिकली जो स्टडी में पाया गया है, ये बेसिकली 66% को ही ब्लॉक करता है मैक्सिमम को, यानी कि आपका जो एक्स्ट्रा 35, 34 या 40% तक जो कार्ब बचा है वो आपकी एनर्जी में यूज हो जाएगा, और आपकी 60% तक कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली कैलोरी कट ऑफ हो जाएगी, जिसके कारण धीरे 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 आपका वेट कम होता जाएगा। यानी कि इसका मतलब है मीठा खाओ वेट घटाओ, कुछ भी खाओ वेट घटाओ, खाते रहो वेट घटाओ, यानी कि मीठा खाओ वेट घटाओ। और मैं ये कहता हूँ एक मात्र ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में जो आपको मतलब ये एडवांटेज देता है कि आपको अब किसी की डाइट चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, आप किसी को आपको ये गाइड करने की जरूरत नहीं है जी आप एक्सरसाइज करोगे तभी वेट घटेगा, ये लाइफस्टाइल चेंज कर लोगे। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आप आराम से अपने वेट को बैलेंस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, और अपने डायबिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हो। अब इसको आप देखें कि
यदि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं तो इसके बेनिफिट, इट हेल्प टू रिड्यूस द एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द डाइट्री स्टार्च, इट हेल्प असिस्ट द वेट कंट्रोल व्हेन यूज्ड इन द कंजक्शन विद सेंसिबल डाइट एंड एक्सरसाइज। यदि हम बात करें तो ये वेट को कंट्रोल करता है, आप यदि इसको डाइट के साथ इसको यूज करेंगे। इट्स हेल्प रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज ऑलरेडी नॉर्मल लिमिट्स, ये आपके ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल लिमिट्स तक रखता है। इट्स प्रोवाइड इट सपोर्ट्स हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म फॉलोइंग द कार्बोहाइड्रेट रिच मील। यदि आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं तो आपके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को ये हेल्दी बनाता है, राइट। इट्स रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज ऑलरेडी नॉर्मल लिमिट्स। सेफ डोजेस की मैं बात करूं तो ये हमें 500 mg से 1500 mg कैप्सूल पर स्टार्ची मील आप ले सकते हैं, यानी कि एक मील के साथ आप हमारा जो एक कैप्सूल है उस एक कैप्सूल में 400 mg है, तो एक आप 3 से 4 कैप्सूल भी आप खाना खाने से पहले ले सकते हो, जो कि आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, यानी कि आपको कोई साइड इफेक्ट इसको नहीं होगा। पर पूरे दिन में इसकी जो मैक्सिमम डोजेज हैं वो 3000 mg तक है, यानी कि 7 से 8 कैप्सूल तक आप कंज्यूम कर सकते हो, 400 mg का एक कैप्सूल है। बट बेसिकली आपको करना क्या है, यूज क्या करना है, बेसिकली स्टैंडर्डाइज डोज क्या हो सकती है इसकी। इसकी स्टैंडर्डाइज डोज है हमारे जो आपके दो हैवी मील है दिन में, जो ज्यादा हैवी मील करते हैं उसके तुरंत पहले आप 2 से 3 कैप्सूल खा सकते हैं, और 2 से 3 कैप्सूल आप, यानी कि दोनों मील में 2 से 3 कैप्सूल जो हैवी दो मील है उसमें आप यूज कर सकते हैं, ये इसकी सेफ डोज है। बट खाना खाने से 15 या 20 मिनट पहले, 10 से 15 मिनट पहले भी चलेगा, आप इसको यूज करें और उसके बाद खाना खा लें तो आप आराम से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और मेरा जो इसकी जो क्लिनिकल ट्रायल्स या स्टडी जो बोलती है, मेरा जो एक्सपीरियंस के बारे में बोलता है, ये महीने में आपका 4 से 6 kg वेट कम करवा देता है, 4 से 6 kg वेट कम करवा देता है, और बिना एक्सरसाइज और बिना ऐसी कोई डाइट में चेंजेज किए हुए आप आराम से अपना वेट को मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें माइल्ड जो हमें चीजों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है जब इसको हम यूज करेंगे, एक चीज का ध्यान रखना है कि जब कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होती तो उससे गैस बनती है, उसमें पेट में फुलावट आती है जिसको हम ब्लोटिंग बोलते हैं। इससे बचने के लिए आपको मॉर्निंग में क्या करना है, खाली पेट क्या करना है, खाली पेट हमें ये करना है कि थोड़ा सा पपाया लिया, पपीता लिया, कम से कम 50 से 60 ग्राम, पपीते के साथ आपने आधा कुकुम्बर या एक कुकुम्बर डाला, और साथ में अपना 20 ml अपना एलोवेरा ये लेके उसको मिक्सी में घुमा के एक डिटॉक्स टाइप का जूस बना लेना है, सुबह खाली पेट वो पीना है। पपाया, एलोवेरा और कुकुम्बर वो डाल के, और इसमें साल्ट नहीं डालेंगे आप, इसमें नमक, व्हाइट नमक का यूज नहीं करेंगे, हो सकता है आप सेंधा नमक यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप और भी चीज इसमें पुदीना है, धनिया है, ऐसी कुछ चीज यूज करके आप इसको बेटर बना सकते हैं, राइट। तो सुबह खाली पेट ये जरूर लेना, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड है वो आराम से पेट से साफ हो जाए और निकल जाए, तो आपके लिए ये मेरी एडवाइजरी है। दिन में भरपूर मात्रा में पानी पिए जब आप इसको यूज करें, और हल्की फुल्की वॉक इसलिए जरूरी है कि पेट में फुलावट है वो निकल जाएगी, गैस रिलीज हो जाएगी। ये नहीं है कि आप इसमें एक्सरसाइज करेंगे तभी वेट घटेगा, वेट घटने का दावा मैं नहीं, ये टेक्नोलॉजी करती है, वर्ल्ड वाइड करती है, आप गूगल भी करेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा, राइट। अब मैंने आपको बताया अब इसको हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब इसको हम अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ऐसा सिंगल प्रोडक्ट है जिसके कारण, एक प्रोडक्ट के कारण भी आप क्या कर सकते हैं, अपना सुपर एक्टिव बोनस अचीव कर सकते हैं। आप पूछे कैसे किया जा सकता है, आप देखिए MRP कितने का है, 2300 का, और डीपी कितने का है, 1800 का। यहां तक एमआरपी और डीपी के बीच को रिटेल प्रॉफिट बोला जाता है, और इसी को डायरेक्ट सेलिंग भी बोला जाता है, और डीपी और बीवी को के बीच को हम रिटेल प्रॉफिट नहीं बोलते, ये पैसिव इनकम में कन्वर्ट होता है जो टीम से आता है, और इसको हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। जो डीपी और बीवी के बीच को नेटवर्क मार्केटिंग, एमआरपी और डीपी के बीच वाली चीज को हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। आप इसको डायरेक्ट सेल कर सकते हो और 500 रुपये जेब में डाल सकते हो, अपनी जेब में डाल सकते हो, क्योंकि किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है। और आई थिंक हर कोई आदमी, आप मुझे बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो मोटे आदमी को जानते हैं, आप हंस रहे होगे क्योंकि आपको पता है सब लोग जानते हैं, और बहुत सारे लोग तो खुद भी मोटे होंगे, और मेरा मानना है कि बहुत सारे लोगों का, मैं मजाकिया तौर में बोलता हूँ, मध्य प्रदेश बढ़ा हुआ है, यानी कि आपका टमी एक्स्ट्रा निकला हुआ है,
तो आप जितने लोगों को जानते हैं तो जाके आप इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और गारंटी के साथ बोलेंगे कि महीने में 4 से 5 6 केजी बिना साइड इफेक्ट के घटेगा और बिना एक्सरसाइज का घटेगा, आप बिना डाइट को कंट्रोल किए भी घटा सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि ये प्रोडक्ट कोई लेने से मना करेगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई डाइट कंट्रोल नहीं, उसके बावजूद भी वेट आपका कंट्रोल हो जाएगा। इसके बारे में भी साइंटिफिक और क्लिनिकल स्टडी के आप जानना चाहें तो मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूं। कुछ साइंटिफिक एविडेंस और क्लिनिकल स्टडी और ट्रायल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, ये जो आपको साइंटिफिक स्टडी दिख रही है, सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस ऑफ प्रोप्रायटी अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर। अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर का मतलब है अल्फा अमाइलेज को बाउंड करना फ्रॉम व्हाइट बीन्स ऑन वेट एंड फैट लॉस इन ह्यूमन बींग्स। ये स्टडी की गई यूएस के द्वारा, यूएसए में इसको स्टडी किया गया। इस स्टडी करने वाले साइंटिस्टों का नाम था जे उडानी, ओलिव टेन एंड जेन मोलिना। इन्होंने 2000 आज देखिए, ये 14 फरवरी का दिन आज है, वैलेंटाइन डे का, और ये 2018 में ही ये पब्लिश हुआ था। लगभग 3 साल पहले ये स्टडी पब्लिश हुई, ये यूएस की स्टडी थी। इसमें आप देखेंगे ना तो इसमें बताया गया है कि मोर देन 2 दर्जन ऑफ क्लिनिकल, कितने, लगभग 2 दर्जन क्लिनिकल स्टडीज, यानी कि लगभग 24 स्टडीज पब्लिश, और 600 लोगों के आसपास इस पे किया गया कार कंट्रोलर की एफिकेसी चेक करने के लिए। और स्टडी में पाया गया, आप देखेंगे स्टडी में क्या पाया गया कि आप का जो ऊपर जो ग्रीन जो वाली दिख रही है आपको, ग्रीन जो लाइन दिख रही है, ये है आपने डाइट खाई बिना कार्ब कंट्रोलर के, और ये जो आपको पर्पल कलर की लाइन दिख रही है ये फेज 2 1500 mg लेने के बाद की जो लाइन है, ये शो कर रहा है कि ग्रीन वाला तो अपसाइड गया यानी कि ग्लूकोज बढ़ा है, और यहाँ पे जो आपकी ये पर्पल कलर की जो लाइन दिख रही है पहले वाली स्लाइड में, पहले लेफ्ट साइड में, ये यानी कि 66% तक ये फेज 2 खाने के बाद आपका ग्लूकोज लेवल घटा है, यानी कि आपका ग्लूकोज लेवल घटा है तो आपका मोटापा भी घटेगा, यानी कि कैलोरी नहीं मिलेगी है ज्यादा, तो आप धीरे धीरे पतला होते जाएंगे। यदि आप एफिकेसी ऑफ फेज 2 इन वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट आप राइट साइड देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ग्रीन वाली जो लाइन है और ये ब्लू वाली है जो आपको पूरे दिख रहे हैं, इसमें है ग्रीन वाली है, ग्रीन वाली शो कर रही है विदाउट दिस प्रोडक्ट, और ब्लू वाली शो कर रही है इस प्रोडक्ट के लेने के बाद। और इस प्रोडक्ट के लेने के बाद हुआ क्या है, आपका बॉडी वेट 2.9 यानी कि लगभग 3 केजी घटा है। बॉडी फैट कितना घटा है वो आप देख रहे हैं, 2.23 माइनस हुआ है, और उनमें क्या, उसमें कुछ नहीं, आप देखेंगे बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। बीएमआई आपका माइनस हुआ 1.05, वेट वेस्ट आपकी वेस्ट साइज जो है वो भी कम हुई है 0.25 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर तक वेस्ट साइज कम हुआ है, और आपका बीएमआई घट जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो कम हुआ है, बॉडी फैट कम हुआ है, बॉडी वेट कम हुआ है। ये क्लिनिकल स्टडी है इस प्रोडक्ट के बारे में, इसके पीछे जो रिसर्च किया गया है वो शो हो रहा है। और आपको ये यूएसए की स्टडी है जो आप देख रहे हैं, 2009 की बात है, और जब ये स्टडी की गई और इसकी एफिकेसी चेक की गई कि व्हाइट के किडनी बीन्स का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसमें ऐसी चीज पाई जाती है जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कहीं ना कहीं इनिबिट करती है, उस अल्फा अमाइलेज को बाउंड कर लेती है जो हमारे उसमें डाइजेस्ट का काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। अब आप देखेंगे ये बहुत सारी स्टडी है जो आपको दिखा रहा हूँ, सिमिलर स्टडी है जो हमारे वेट बीएमआई वेस्ट मेजरमेंट को मतलब घटा हुआ दिखाया इन सारी स्टडी में। एक अनदर स्टडी है न्यूट्रिशनल जर्नल में छपी, ये स्टडी क्या कहती है, ये मर्लिन बैरेट और जे उडानी ने ही इसको स्टडी किया है। ए प्रॉपर्टी अल्फा अमिलेज इनिबिटर फ्रॉम व्हाइट बीन्स रिव्यू क्लिनिकल स्टडी ऑन वेट लॉस एंड ग्लाइसेमिक कंट्रोल। इसमें क्या कहता है कि भाई अल्फा माइलेज को इनिबिट कर लिया तो आप अच्छे से अपना वेट घटा सकते हो, और इसकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो है इस अल्फा माइलेज ब्लॉकर को निकालने के लिए व्हाइट किडनी बीन से, वो फेज 2 टेस्ट
टेक्नोलॉजी है, यानी कि P2 टेक्नोलॉजी कोशिश की है और ये बिल्कुल सेफ है, ना इसका कोई साइड इफेक्ट है, ओनली ब्लोटिंग होती है, थोड़ा सा पेट फूलता है क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता, उसके लिए मैंने डिटॉक्स जूस आपको बता दिया है। अब किसी ने मेरे से पूछा कि सर क्या हम इसको दे सकते हैं अल्कोहल वाले को? देखिए, अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, वो फैट नहीं होता, वो प्रोटीन नहीं होता, उसका डाइजेशन हमारे पेट में नहीं होता है। अल्कोहल का डाइजेशन होता है हमारे लीवर में, इसलिए लीवर खराब होता है अल्कोहलिक जो कंज्यूम करते हैं, राइट? तो अल्कोहल वाले के लिए कुछ नहीं है, अल्कोहल पीने से पहले कोई कार कंट्रोलर लेगा, कुछ इसका कोई फायदा नहीं होगा। यस, जो दारू पीते हैं सुबह उठ के डिटॉक्स जूस पियेंगे, जो दिन में अपना भोजन खा रहे हैं तो उसमें आप लेंगे तो आप ले सकते हैं, पर ये नहीं है अल्कोहल लेने से पहले आप इसको लें तो अल्कोहल को भी ये बाहर निकाल देगा, फिर तो पिएगा ही नहीं लोग, कोई नशा ही नहीं होगा, ऐसी कोई चीज बन जाए। सो आप समझ सकते हैं मैं जो बोले, मैंने जो बताया है, राइट? देखिए, कोई भी दो हैवी मील्स को चूज कीजिए, आप लंच हैवी करते हैं, डिनर हैवी करते हैं, ब्रेकफास्ट हैवी करते हैं, उनको चूज कीजिए और उनको उनसे पहले आप 2 से 3 कैप्सूल लेंगे तो आपको अगले 2-3 महीने में काफी आपका वेट कम कंट्रोल हो सकता है। कोई एज लिमिट मेरा मानना है 18 साल प्लस को ही दे, क्योंकि ग्रोइंग एज में आप ना दे, फिर भी बहुत ज्यादा मोटा कोई है 16 साल का भी वो है तो आप उसको दे सकते हैं धीरे धीरे। और इसको नॉट ओनली मोटे आदमी में, यदि आप खुद मोटा नहीं होना चाहते, किसी पार्टी में आपको जाना है, किसी फंक्शन में आपको जाना है जहां बहुत आप मना नहीं कर सकते, आपको ज्यादा खाना पड़ सकता है या आपका मन कर गया, तो आप आराम से कार्ब कंट्रोलर का 1 कैप्सूल खाएं, आराम से अपनी पार्टी का एंजॉय किए, कितना भी खाएं तो आपका वेट मैनेज हो जाएगा। तो आप इसको स्लिम रहने के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपनी शेप को मेंटेन करने के लिए भी, आप यदि एक्सरसाइज में टाइम नहीं निकाल पाते, आप नेटवर्कर हैं या कुछ, आप भी जॉब पे जाते हैं तो आप इसको स्लिम रहने के लिए यूज कर सकते हैं, डायबिटीज से बचने के लिए आप कर सकते हैं, डायबिटिक पर्सन को दिया जा सकता है, बट जो इंसुलिन पे हैं उनको लेने से पहले उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। जिसकी 200-250 के आसपास रहती है उसके लिए तो ये रामबाण है, और मैं कहता हूँ पहले अगले 2 घंटे में ही डायबिटीज को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, इतना मिरेकल प्रोडक्ट है। 2 घंटे में बता रहा हूँ, आपने खाया 2 घंटे में आप ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे तो आपका कम मिलेगा। किसी भी प्रॉब्लम के साथ इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थायराइड वाला भी यूज कर सकता है, थायरो फ्यूल के साथ अपने भोजन के साथ पहले अपना वेट कंट्रोल कर सकता है, थायरो फ्यूल से अपनी थायराइड की फंक्शनिंग ठीक कर सकता है। सो मेनी बेनिफिट हैं इसके। शुगर 150 से 200 के हो सकते हैं, तो कितने कैप्सूल दें? मेरा मानना 2 कैप्सूल दें आप और अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय ओके लाइफ के। I don't care what's in my dreams, baby.